अकॉर्डिंग टू मी मैरिज मतलब इंसान को तब करनी चाहिए जब वो मैच्योर है नो टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि आपके ऊपर और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती नहीं है बैचलरहुड में. ठीक है, मैरिज के लिए यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर. सो अभी तो मैं नहीं थी उनसे मिलने से पहले, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैरिज की एक एज होती है 29-30, इतना मैं मान के चली थी. शादी का ऐसे मेरे घर वाले ढूंढ रहे थे शादी के लिए ना, ऑब्वियसली अरेंज मैरिज थी वो, तो फिर घर वाले ढूंढ रहे थे लड़की के बारे में जो भी है. और एक बार ऐसे फ्रेंड्स के थ्रू, एक फ्रेंड है मेरे उधर ना कलीगी है मेरे, तो उन्होंने दिखाया था नैन्सी का ऐसे फोटो वगैरह ना उनकी फेसबुक से, तो फिर उन्होंने बताया था कि नहीं ऐसा ऐसा है, फिर हमने भेजा था रिश्ता भिजवाया था. जब मैं पहली बार अभिषेक से मिली थी तो आई वॉज लाइक कि लड़का बहुत सीधा है, शरीफ भी है, बट मुझे इतना शरीफ लड़का नहीं चाहिए ऐसा मैंने सोचा, इसीलिए मैंने मना कर दिया. और उस टाइम मैं शादी भी नहीं करना चाहती थी. सो ये दो फैक्टर्स थे. नहीं वो तो मुझे पता ही था पहले से, मेरे को पता था, आइडिया था कि मना तो नहीं है. फिर मैंने बोला कि होगी मना, ये बस आप लोग रेडी रहना बस, बाकी तो कुछ नहीं. फिर तो फिर वो मना ही की इसने, फिर मैंने मैसेज किया फेसबुक अगले दिन, फिर मैंने बताया. धीरे धीरे मेरा माइंड सेट चेंज हुआ, मैंने सोचा थोड़े दिन, फिर मैंने इनिशिएटिव लिया, फिर मैंने बात की. देन आई गॉट टू रियलाइज लाइक लाइफ में और क्या चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर. छोटी सी लाइफ है, अच्छे से निकल जाएगी, अंडरस्टैंडिंग है, गुड लुकिंग है, और क्या चाहिए. मैं तो खुश ही था ऑब्वियसली, भाई चलो मान तो कर दी. फिर घर वालों को मैं बताया मैंने कि भैया वहाँ हो गया लास्ट में. तनो है हर चुनैया, बस तनो है हर चुनैया, लख कया दिल नु पर फिर भी है अड़या, लख कया दिल नु पर फिर भी है अड़या. नहीं वो कनेक्शन तो मतलब ऐसा नहीं था, धीरे धीरे वाला नहीं है, मतलब ऐसे इंस्टेंट था वो कनेक्शन जो आया ना हमारा, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब कंफर्टेबल थे दोनों. ही इज जस्ट लाइक मी, ही इज माय रेप्लिका विद लेस एंगर इश्यूज आई विल से. ही इज जस्ट लाइक मी इन मेनी थिंग्स एंड दैट इज व्हाट आई वांट, समवन हु कैन अंडरस्टैंड मी, विल टेक अ गुड केयर ऑफ मी. नहीं कनेक्शन तो वही है ना कि दोनों, हम दोनों सिमिलर हैं, दोनों की थॉट प्रोसेस सिमिलर है, बस वही है. और थोड़ा मेरे से बेटर है वो, मतलब एक्सप्रेस करने में बेटर है मेरे से, मैं थोड़ा कम करता हूँ एक्सप्रेस में अपने आप को थोड़ा, तो उसमें बेटर है. थोड़ी स्मार्ट है वो, स्मार्ट है थोड़ी, मतलब ऐसा नहीं है जैसे मैंने बोला आउटस्पोकन है, जो दिल में है उसके मुँह पर भी है, ऐसा बीच में नहीं रखती, दिल में नहीं रखती कि भाई जो है वो सीधा बोल देती है, जो भी है चाहे जो उल्टा है बुरा है जो भी है सीधा बोल देती है. थोड़ी केयरिंग तो ऑब्वियसली है ही, केयर वगैरह करने में, बोल्ड भी है. मेरे को हमेशा पहले से ही मतलब ऐसी लड़की चाहिए थी जो मतलब स्मार्ट हो, बोल्ड हो, वैसे वाली तो फिट करती है मतलब उस क्राइटेरिया में. It's your eyes upon my soul. You pick me up and make me whole. You make me rise and call me your own. It's your eyes upon my soul. Good night, wish you could meet her. Good night, wish you could meet her. Hold up, lag na kisse nu jaave. Good night, wish you could meet her. Oh,
वैसे कई बार वो थोड़ी नाराज हो जाती है ना, तो फिर एक दो बार तो मतलब ऐसे गुस्सा ही थी, वो फोन नहीं पिक कर रही थी, तो फिर मैं चला गया था उसको मनाने के लिए। हाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, मतलब मेरी तरफ से होते हैं। फिर उसके लिए फिर रात को आई थी वो, शायद पोस्टमार्टम करने गई थी, फिर आई थी वो 7-8 बजे, घर में बताया नहीं था, पर चलो मैं पहुंच गया था उसको तो फिर उसको फिर उसके लिए खाना खुला बना दिया था, डिनर डिनर कि वो बहुत काम है, वो बहुत कामली हंसते हंसते हैंडल करते हैं। मैं उनको डांटूंगी भी ना तो फिर मतलब ऐसे हो जाते हैं कि हाँ अरे कुछ नहीं है मेरा बच्चा लाइक दैट। कि चलो कर लेंगे शादी, अभी है टाइम है जो भी है, पहले मैंने सोचा नहीं था कि भाई इतने जल्दी हो जाएगी। घर वालों को हमेशा ही बोलता था मैं कि मतलब जैसे शादी फिक्स होगी 5-6 महीने बातचीत करेंगे, फिर लगेगा कि मतलब हैं कंपेटिबल हैं तो करेंगे शादी, नहीं हुआ तो फिर तो ऑब्वियसली कहाँ होगी। तो वैसा तो हुआ ही नहीं कुछ भी इसमें, जो मैं सोच के चला हुआ था उसके टोटली अपोजिट था। मतलब मैं सोच नहीं सकती थी कि इतने कम टाइम में मैं किसी के इतने क्लोज आ सकती हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ किसी के भी साथ। वही इंस्टेंट था दोनों के बीच जो भी थी। जब भी उसके साथ होती हूँ तो मतलब वार्मथ फील होती है, पहले से ही था ऐसा कि मतलब इसके साथ तो कुछ छुपाना ही नहीं है, मतलब हमेशा से सब कुछ नेचुरल था, जेन्युइन था। तो पहली बार हमने वीडियो कॉल की थी, उनकी नाइट ड्यूटी थी, हमने पूरी रात वीडियो कॉल की, मतलब हमने बात नहीं की, एंड वी स्लेप्ट लाइक दैट आल्सो कि कैमरा सामने रखा है एंड सो रहे ऐसा कोई नहीं करता है। मुझे बहुत क्यूट लगा, बहुत रोमांटिक लगा। मैं उठ रही थी बीच में तो वो भी उठ जा रहा था, ये है क्यूट सी छोटी सी मेमोरी नाइट ड्यूटी की। जैसे मतलब मेरे मॉम डैड है ना, उनको मैं मतलब ऐसे देखूं तो जो नैन्सी के मॉम डैड है मतलब दे आर मतलब सिमिलर हैं, जैसे वो सोचते हैं वे वैसे ही हैं, मतलब काम करने के तरीका भी या कुछ भी मतलब सेम है, ऐसा उसको लगेगा नहीं कभी कि मतलब वो अपनी फैमिली से दूर है मतलब और अपने मॉम डैड को मिस करेगी, क्योंकि हमारा ऐसे थोड़ा मतलब चिल नेचर है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मॉम है डैड है इनसे थोड़ा डरना है या वो करना है, मतलब हम फ्रेंड्स की तरह रहते हैं घर पे, जो भी है मॉम डैड जो भी बोलेंगे वो सीधा बोलेंगे मुंह पे, मतलब हमने भी जो बोलना है जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है वो सीधा बोलेंगे मुंह पे, तो मतलब वैसा है हमारा फ्रेंडली वाला बिहेवियर है, कोई कुछ नहीं, जिसको जो चीज़ नहीं आ रही है पसंद वो सीधा मना कर सकते हैं, वैसा वाला माहौल है, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा इन्जॉय करेंगे उसको और हमेशा उसके लिए मतलब ऐसा मिस नहीं करेगी अपने घर को या मॉम डैड को, इतना मिस नहीं करेगी। Oh,
और ऑब्वियसली तो मैं तो हूँ ही, अगर मतलब ऐसा केयर करने के लिए या जो भी है वो तो ऑब्वियसली मेरा ही काम है। मधानी।